वाइन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ऑप एम्प। देखिए ये जो ऑसिलेटर है इसका यूज ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस में किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये इसके लिए जो सर्किट होता है इसमें सिंप्लिसिटी होती है और इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइन ब्रिज सर्किट, ये जो सर्किट है ये वाइन ब्रिज सर्किट होता है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्टेड है, और एक और नेटवर्क होता है जिसमें आर सी कम्बिनेशन होता है। यानी कि देखिए एक लेग पे सीरीज में आर और सी रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है। रेजिस्टर की वैल्यू है 3.3 के ओम, कैपेसिटर की वैल्यू है 0.5 माइक्रो फैरड। सेम सीरीज में भी और पैरेलल में भी ये कनेक्ट होते हैं, और इसमें रेजिस्टर्स और कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और ये जो नेटवर्क होता है ऊपर वाला ओपैम्प वाला, ये नेटवर्क एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है जो कि वन नेटवर्क होता है। और ये जो सर्किट होता है ये फीडबैक सर्किट होता है, जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगी उसे प्रोवाइड करता है इनपुट टर्मिनल पे। अगेन क्या होगा, एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, यानी ये वाला जो सर्किट होगा, और ये सर्किट अगेन 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री का होगा। यानी कि वो ज़रूरी होना चाहिए कि वो 0 डिग्री हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्रिज होगा ये तभी पॉसिबल है जब ब्रिज बैलेंस हो। इस ब्रिज को हम कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये या तो हम ये वाला सर्किट यूज कर सकते हैं, इसकी जगह ये वाला सर्किट यूज कर सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कम्बिनेशन और ये पैरेलल कम्बिनेशन, ये फीडबैक नेटवर्क को शो करेगा। ये आरएफ फीडबैक रेजिस्टर और ये आर1 ये दोनों रेजिस्टर, और बीच में ओपैम्प, यानी ये वाला सर्किट और ये दोनों सर्किट सेम है। 0 डिग्री कंडीशन लाने के लिए ब्रिज को बैलेंस करना पड़ता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है। 0 डिग्री तभी कंडीशन आती है जब जो हमारा ब्रिज होता है बैलेंस होता है और रेजोनेंस होता है, और जो फ्रिक्वेंसी होती है ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी से FO से डिनोट किया जाता है, वो एग्जैक्टली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है बैलेंस वाइन ब्रिज ओसिलेटर की, जिसे FO से डिनोट किया जाएगा। वो इज इक्वल टू होगा 1/2πRC के इक्वल, जो कि जिसकी वैल्यू होगी 0.159/RC। और जो फ्रिक्वेंसी होगी उसमें जो गेन रिक्वायर्ड होगा वो उसे AV से डिनोट करेंगे, जिसको शो किया आया था जो गेन होता है सर्किट का AV = 1/B। B क्या शो करता है, फीडबैक का गेन, ये हमारा इस सर्किट का गेन शो करेगा। इन A = 1/B जो कि = 3K, या फिर हम ऐसा लिखते हैं 1+RF/R1 = 3K। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RF = 2R1, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये होता है हमारा, ये है हमारा वाइन ब्रिज ऑसिलेटर ओपैम्प का यूज करके। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ओपैम्प्स का यूज करके अपने अनदर ऑसिलेटर करेंगे, जैसे कि अनदर ऑसिलेटर है जैसे हमारे नेक्स्ट ऑसिलेटर करेंगे क्वाड्रेचर ऑसिलेटर। और इस तरह से ये हम अपने वैसे तो ये ऑसिलेटर हम कर चुके हैं सारे, लेकिन इसे हम ओपैम्प का यूज किया है इसलिए इनको फिर से रिपीट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।